और अब खबर शेयर करते चलें उन लोगों के लिए, उन बहन भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए जिन्होंने नेटफ्लिक्स का एक अकाउंट बनाया हुआ है और पासवर्ड आपस में किए हुए शेयर। तो जनाब ये मुफ्तखोरों के लिए भी वैसे है, ये जो है ना जिनको मुफ्ते में चाहिए हर चीज, अब वो जरा हो जाए होशियार, खबरदार, क्योंकि बड़ा आम ऐलान हो गया। बिल्कुल जी, हुआ ये है कि नेटफ्लिक्स करने वाला है एक जबरदस्त किस्म का क्रैकडाउन। हालिया सर्वे के मुताबिक 137 यूरो मिलियन में से तकरीबन 14 मिलियन यूरोस ऐसे हैं जो पासवर्ड शेयरिंग पर नेटफ्लिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्जुमान नेटफ्लिक्स का कहना है कि हम इस मामले को बारीकबीनी से फॉलो कर रहे हैं और हो सकता है कि हालिया दिनों में नेटफ्लिक्स एक अहम ऐलान कर दे पासवर्ड शेयरिंग के हवाले से। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि एक वो बहन भाई आपके जो कि अच्छे कमाने वाले होते हैं तो वो नेटफ्लिक्स का अकाउंट जो बना लेते हैं, उसके बाद जो उनके छोटे बहन भाई होते हैं ना जिन्होंने अपने किड्स के लिए भी देखना होता है या दूसरे कार्टून वगैरह के लिए देखने होते हैं, दूसरे फिल्म के लिए देखना होता है, तो वो पासवर्ड शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, इस हवाले से मुफ्ते की एंटरटेनमेंट, यू नो, इस हवाले से बहुत लोगों ने एक काम किया और वो ये कि वो नेटफ्लिक्स अकाउंट बनाते हैं जाके US में और उसके बाद उसका पासवर्ड शेयर करते हैं वो यहाँ पे, ताकि यहाँ पे US वाला स्ट्रीम इनको मिले और वो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है जो यहाँ नहीं देखा जा सकता, वो फिल्में जो यहाँ नहीं देखी जा सकती, जो नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में नहीं है वो नेटफ्लिक्स US में देखते हैं। तो बच्चों, अब हालात खराब हो गए, अब आप ये इंजॉयमेंट नहीं कर सकेंगे। वैसे आपका अपना अकाउंट है? मेरा अपना ही। अच्छा, फिर अच्छी बात है, चलिए छोटी सी। लेकिन मेरे दोस्तों को जिन्होंने हरकतें की हुई है, जो मुझे जलाते थे, यार आपके पास ना नेटफ्लिक्स US नहीं है, आपके पास नेटफ्लिक्स टर्की नहीं है, बच्चू अब वो चार इतने खुश है इस वक्त शपात इस खबर से, लेकिन खराब लोग जल्दी से अपना अकाउंट खुद बना ले, कुछ हो सकता है क्रैकडाउन। चलो एक छोटी सी ब्रेक।